अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू एआर शो। योर होस्ट अहमद राना इज़ हियर। एज़ यू नो, जैसे कि मैं आप जानते हैं कि मैं डिफरेंट गेस्ट, डिफरेंट सेलिब्रिटी को लेके आता हूँ। खिज़र खान साहब आए, मून खान आए, उसके बाद मुर्तज़ा रानी डॉक्टर साहब आए, और फिर मिस पेंसिल्वेनिया आई। लेकिन आज जिन गेस्ट को मैं लेके आ रहा हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बिल्कुल सही, पाकिस्तान के सुपर स्टार हैं ये, हमज़ा अली अब्बासी। अस्सलामु अलैकुम हमज़ा अली अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आप चैरिटी के इवेंट्स में यहाँ यूएसए आए हुए, बड़े बिजी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। ये मुझे बताइए हमजा साहब, आप मोस्ट हैंडसम डेयरिंग पर्सनालिटी तो हैं, ये तो हर कोई आपको कहता है, कि आपके एक्टिंग का करियर कैसे स्टार्ट हुआ? एक्टिंग का करियर जी, इट वॉज 3-4 ईयर्स बैक। थिएटर मैंने काफ़ी किया है शाशर अबील के साथ। ही वॉज द वन जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और एक्सपोजर दिया थिएटर का। तो उसके बाद फिर वार शुरू हो रही थी बिलाल अशारी की, तो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हुई प्योरली बाय एक्सीडेंट। एंड देन हुमायूं सईद बीइंग अ वेरी ओल्ड फ्रेंड, बिलाल अशारी वाज आल्सो वेरी ओल्ड फ्रेंड, तो दोस्तों के कह सकते हैं कि बरगलाने की वजह से जो है मैं एक्टिंग के अंदर प्योरली बाय एक्सीडेंट आ गया। फिर वार चली, काफ़ी अच्छी चली। फिर हुमायूं भाई के साथ जो है वो मैं और शाहिद अफरीदी उस वक्त हुई, तो ये दोनों जब फिल्म्स बाहर आई तो आई थिंक दैट प्लेड अ ह्यूज रोल। एंड देन आई डिड द प्यारे अफजल जो है, अगेन बाय एक्सीडेंट। नदीम बेग जो है उन्होंने कास्ट किया, हुमायूं भाई का ही प्ले था। सो आई थिंक आई वाज लकी कि अच्छे दोस्त मिले एट द राइट टाइम, सही प्रोजेक्ट्स मिले। आई थिंक मैं एक अल्लाह की बरकत है कि बहुत ही एक्सेप्शनली लकी और ब्लेस्ड अल्लाह की तरफ से कि 2-3 साल में ही मुझे इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिले जिनकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडमिरेशन लोगों की नसीब हुई। पाकिस्तान के अंदर अक्सर लोग चाहते हैं, खासतौर पर पेरेंट्स, बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है, आप इसको किस तरफ जाते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं कि आजकल लोग कह रहे हैं कि हमजा अली अब्बासी भी बच्चे बने? अच्छा, नहीं, दैट्स वेरी काइंड ऑफ देम। देखिए, ये भी, ये जो फील्ड है आर्ट और आर्टिस्ट जो है, ये बाय नो मींस कोई नॉन सीरियस फील्ड नहीं है। पाकिस्तान की नस्बत से बात करें, किसी और मुल्क की बात करें, तो मुल्क को सियासतदानों से ज़्यादा जो है वो आर्टिस्ट रिप्रेजेंट करता है। सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास इंडिया की है। इंडिया का जो आर्ट है या बॉलीवुड है वो उसको पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पेरेंट्स मेरे ख्याल अब समझ रहे हैं ये बात कि क्योंकि माहौल बहुत अच्छा दिया जा रहा है एक्टर्स को। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा अर्सा पहले तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी डाउनफॉल का भी शिकार रही है, और वहाँ पे कुछ मसाइल भी थे व्हेन इट कम्स टू द माहौल प्रोवाइडेड टू द एक्टर्स, और ख़ासतौर पर हमारी बच्चियाँ जो हैं, जो ख़वातीन हैं जो आती हैं। लेकिन फिर टी वी ड्रामाज़ ने जो है उस परसेप्शन को चेंज किया, क्योंकि वहाँ माहौल भी बहुत अच्छा है, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, काम बड़ा डिसेंट है वहाँ पे। तो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेरेंट्स की परसेप्शन चेंज हुई और उन्होंने फिर इस फील्ड को भी एक अच्छी फील्ड की तौर पे कंसिडर करना शुरू कर दिया। रिसेंटली फिल्म इंडस्ट्री, उसमें भी वही इफेक्ट हुआ कि आप वैशी गुज्जर से और जंगली हसीना से आप वार की तरफ आए, चमेली की तरफ आए, मैं शाहिद अफरीदी की तरफ आए। तो आई थिंक वो शिफ्ट जो है ना, वो फिर पेरेंट्स भी देखते हैं कि एक काम पहले कुछ और लोग किया करते थे, अब वही काम पढ़े लिखे लोग जब कर रहे हैं तो उनको फील होता है कि माहौल बेहतर है। जैसे कि एजुकेशन पे बात करते हैं, यू आर वेल एजुकेटेड माशाल्लाह। बट एक पॉइंट मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आर्ट जो है वो एक वेपन की तरह है। उस वेपन से आप किसी को बचा भी सकते हैं, लेकिन आप किसी का कत्ल भी कर सकते हैं। जी जी। तो पेरेंट्स अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमारा जो ये आर्ट है, ये अच्छी वैल्यूज़ को प्रमोट करना शुरू कर रहा है। कुछ बनती हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स जो नहीं करते, लेकिन मोस्टली हमारे ड्रामास और फिल्म जो हैं वो अच्छी वैल्यूज़ को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो पेरेंट्स भी फिर कंफर्टेबल फील करना शुरू हो गए अपने बच्चों को भेजने के लिए। जैसा कि आपने एजुकेशन की बात करी, यू आर वेल एजुकेटेड एंड नाउ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग हु आर वेल एजुकेटेड एज़ वेल। एजुकेशन जो पहले नज़र नहीं आ रही थी शो बिज़नेस में, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है इस टाइम? देखिए, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आप
को सिर्फ एक आर्टिस्ट बनने की एस्पिरेशन ही रखनी चाहिए, फिर आप एक रोल मॉडल बनते हैं, क्योंकि पब्लिक फिगर्स जो होते हैं उनके ऊपर एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, बिकॉज आप इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को। अगर आप वही पब्लिक फिगर बनेंगे और आप खुदा ना खास्ता बुरी चीज़ें प्रमोट करना शुरू कर देंगे, तो बहुत सारे लोग आपको देख के उसी तरफ रागब होंगे। तो अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप अच्छी वैल्यूज़ को प्रमोट करेंगे, तो वही जो आपका आर्ट है वो आर्ट से भी ज़्यादा एक इंस्पिरेशन की जो है वो सूरत अख्तियार कर लेगा। तो पढ़े लिखे लोगों के आने की वजह से ही आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री चेंज हुई है। ड्रामा इंडस्ट्री में तो खैर हमेशा से बड़े पढ़े लिखे लोग थे, बट इट्स ऑलवेज टू रिप्रजेंट पाकिस्तान या टू रिप्रजेंट एनी कंट्री, दैट एंटायर पैकेज हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप टैलेंटेड भी हों लेकिन साथ ही साथ आप बोल भी सकते हों, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट भी कर सकते हों डिफरेंट फोरम्स पे, नेशनली एंड इंटरनेशनली। और इसीलिए जो भी यंग एस्पिरेंट्स हैं जो इस्पायर करते हैं एक्टिंग के अंदर या मीडिया के अंदर, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले वो अपनी तालीम जो है वो प्लीज़ पूरी कर लें, तालीम पूरी करने के बाद इस साइड पर आए। जैसा कि इन्होंने कहा, यंगस्टर आप लोग भी देख रहे होंगे कि पहले आप एजुकेशन लें, उसके बाद आप शो बिज़नेस में आए, कोई भी नहीं आपको रोकेगा। लेकिन आप कम से कम एजुकेशन इतनी ले लें कि कल को अगर आप, जैसे हमजा ने कहा, कि आप वेपन के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं आर्ट को, और इंस्पायरेशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये बताइए हमजा जी, 2006 के अंदर आपने डेब्यू किया डॉल इन द डार्क में, मेरे ख्याल से डॉल इन द डार्क जी जी, जब आपने थिएटर में काम शुरू किया, उसके बाद आप जो है फिर उसके बाद आप ड्रामों में आए, जो आपने प्यारे अफजाल किया, और एक और रोल आपने बताया आज़म का। आप इतने वर्सेटाइल एक्टर हैं, जो यंग जनरेशन और मैं भी जानना चाहता हूं कि कोई आपने ट्रेनिंग ली इसके लिए, या आप नेचुरल बॉर्न एक्टर हैं? नहीं देखिए, एक्टिंग हो या कोई भी आर्ट फॉर्म जो होती है, जैसे पेंटिंग है या ये बॉर्न टैलेंट होता है। दिस कैन नॉट बी स्टडीड, इट कैन बी पॉलिश्ड थ्रू स्टडीइंग। जैसे फिल्म स्कूल है या आर्ट स्कूल्स होते हैं, वो पॉलिश हो सकता है, लेकिन आप क्रिएट नहीं कर सकते वो टैलेंट अपने अंदर। सो आई थिंक ऑल दी आर्टिस्ट्स आर बॉर्न आर्टिस्ट्स। जिस बंदे को ड्राइंग की तरफ बिल्कुल भी रगबत नहीं है, आप उसको ड्राइंग नहीं सिखा सकते, वो या तो आती है या नहीं आती। तो मेरे लिए शायद ये एक इनबॉर्न भी था, लेकिन थिएटर प्लेड अ ह्यूज रोल इन इट। अगेन थैंकिंग शाहशर अबील, थिएटर ने मुझे, जो मैंने 8-9 प्लेस किए 3-4 साल, उसने उस वक्त हालांकि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहा था, सो माय डिग्री वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम थिएटर, लेकिन थिएटर ने मुझे बहुत ज़्यादा ग्रूम किया। और वो मेरे लिए आई थिंक इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग एक्टिंग स्कूल जो थिएटर था, सो आई वॉज लकी इनफ टू हैव अ hands-on acting experience in theater. कोई भी काम आप छोड़ते नहीं हैं, वॉइस एनिमेटेड मूवीज भी आपने करी जी, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वो तो जी एक मेरी जिंदगी की एक चेकलिस्ट थी जो आपने फिल करनी होती है। आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट बुर्का एवेंजर्स। जी जी, आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ एनिमेटेड मूवीज, तो वो मेरे लिए एक था कि जिंदगी में एक दफ़ा ज़रूर ये जो है वो एक्सपीरियंस करें। कोई और चेकलिस्ट भी आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? चेकलिस्ट तो बहुत हैं जी, चेकलिस्ट तो बहुत हैं। चेकलिस्ट तो ये भी है कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा पाकिस्तान है, उस पर ना सिर्फ हम फख्र करें बल्कि दुनिया में जो वो देखे कि ये पाकिस्तानी जो है। कुछ फिल्मी कैरियर पर आपके बात करते हैं, मैं हूँ शाहिद अफरीदी, फिर वार आई, उसके बाद अब जवानी फिर नहीं आनी, तो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं बीइंग अ प्रोफेशनल एक्टर, लेकिन इन तीनों मूवीज में अगर आपको चूज करी जाए तो आप किस मूवी को फेवरेट कहते हैं हमजा अली अब्बासी की? मेरे ख्याल एक तो सारी मूवीज है, वार मेरे लिए बड़ी एक स्पेशल हैसियत रखती है, क्योंकि वो सबसे पहली मूवी थी और वो बहुत ही अनसर्टन फ्यूचर था उस मूवी का। एक टाइम पर वो मूवी स्क्रैप हो गई थी, तो आई थिंक उस वक्त जो फाइट फॉर सर्वाइवल था, वो 4 साल लगे थे उस मूवी को बनने में, और उस वक्त फिल्में नहीं बनती थी। फिल्म इनफैक्ट पीपल यूज़ टू लुक डाउन अपॉन फिल्म्स, उस वक्त फिल्मों के अंदर पैसा भी नहीं डालते थे लोग। आई डोंट रिमेंबर कि 2013 से पहले फिल्मों का वो एक इन्फ्लक्स जो था वो बिल्कुल भी नहीं था, मतलब आपको बोल थी और खुदा के लिए थी, दैट्स प्रीटी मच इट, दो ही थी। तो वो जो एक उस टाइम पे फाइट फॉर सर्वाइवल था, फिर एक आइडियलिज्म था कि यार हमने फिल्म्स के लिए कुछ करना है, फिर हमारी जो दोस्तियां थी, आई थिंक वो फिल्म विल ऑलवेज बी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। उसमें बेस्ट सपोर्टिंग का आपने अवार्ड भी जीता। जी जी जी,
और उसके बाद फिर मैं हूँ शायद अफीदी में अपने बेस्ट मेल बेस्ट सपोर्टिंग का आई थिंक वाज फॉर जवानी जवानी का जी जी और जो बेस्ट जो डेब्यू मेल था वो जी वो वार के लिए आपने जीता तो इतने सारे अवार्ड्स तो जीत चुके हैं आप तो लगता है आपको आर्टिस्ट को इनकरेजमेंट मिलती है और अप्रिशिएट करते हैं आर्टिस्ट ये सारे अवार्ड्स के लिए डेफिनेटली अवार्ड देखिए अवार्ड जो होता है वो अप्रिसिएशन की ही एक फॉर्म है तो अवार्ड बिल्कुल इट मैटर्स लेकिन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आई थिंक अवार्ड जो हैं वो अप्रिसिएशन आर्टिस्ट के लिए भी होती है और दूसरा हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ का भी एक वो जरिया है बिकॉज हमारे अवार्ड शोज़ पहले दे यूज़ टू बी वेरी स्मॉल अब वही अवार्ड शोज़ आपको बाहर भी रिप्रजेंट कर रहे हैं दुबई के अंदर हुए अवार्ड शोज़ अगला अवार्ड शो जो है वो शायद लंदन या टर्की के अंदर कहीं मे बी यू एस ए बट यू नो अवार्ड शोज इंट्रोड्यूस योर फिल्म इंडस्ट्री टू द आउटसाइड वर्ल्ड अगेन यू हैव टू सी बॉलीवुड के यू नो वो अपना कभी चाइना मकाओ के अंदर करते हैं अवार्ड्स अपने जी, कभी लंदन में करते हैं कभी साउथ अमेरिका में यूएसए में आईफा अवार्ड्स कनाडा में सो व्हाट दैट डज इज दैट टेक्स योर फिल्म इंडस्ट्री अब्रॉड सो अप्रिसिएशन एक्टर्स के लिए भी है और फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पोस्टर चाइल्ड है पूरी इंडस्ट्री का वो ये अवार्ड शोज ही होते हैं बिल्कुल तो वो आपको बाहर लेके जाते हैं सो आई थिंक इट्स एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आई हमारी जो मीडिया की फ्रटर्निटी है कि पाकिस्तान की इन्वायरमेंट अब तो खैर काफ़ी बेहतर है लेकिन हमेशा से इतनी अनफ्रेंडली रही है टूवर्ड्स आर्ट कि हर चीज़ गोज अगेंस्ट आर्ट देयर लेकिन उस इन्वायरमेंट के अंदर हमारी इंडस्ट्री ने इतनी रेजिलियंस शो की है कि आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री देख लें इट्स फ्लरिशिंग ड्रामा इंडस्ट्री इज़ फ्लरिशिंग आपकी जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो फ्लरिश कर रही हैं अवार्ड शोज आपके बाहर हो रहे हैं अब इमेजिन करें कि यही लोग जो इतने रेजिलियंट हैं हमारी मीडिया की जो फ्रटर्निटी है थोड़े से हालात अगर जब बेहतर होंगे तो यही लोग क्या करेंगे वही क्वालिटी ऑफ फिल्म जो इंडिया शायद 50 करोड़ इंडियन 50 करोड़ हमारे 100 करोड़ बनते हैं उसमें निकालता है हम वही चीज़ 10 करोड़ में निकालते हैं बिल्कुल सही वही क्वालिटी वही कंटेंट जो है वही इमेजिन के जब हमारे बजट्स बढ़ेंगे तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू द ग्रोथ ऑफ आर इंडस्ट्री इन द कमिंग 5 ईयर्स हमजा अब्बासी हो स्टूडियो में और पॉलिटिक्स पे बात ना हो तो ये तो बात नहीं हो सकती इतना इन्वॉल्वमेंट है आपका पॉलिटिक्स के अंदर और बहुत सारे टीवी शोज पे आप बोल चुके हैं कि यूथ को भी आगे आना चाहिए पीटीआई के जलसों में भी आप हमेशा आगे से आगे रहते हैं तो आप आज का जो फ्यूचर पाकिस्तान देख रहे हैं जो खासतौर पर हमारी यहाँ यंग जनरेशन अमेरिकन पाकिस्तानी जनरेशन जानना चाहती है तो क्या देख रहे हैं आप पहले के पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में और आज के यूथ के पाकिस्तान में देखें एक तो जो जहाँ तक बात है पॉलिटिकल होने की देखें वी ऑल हैव टू बी वेरी पॉलिटिकल बिकॉज हमने जो एक नोशन बना लिया है कि पॉलिटिक्स जो है वो एक गंदा काम है बिल्कुल जब मैं भी पॉलिटिकल बात करता अब तो खैर लोग समझ गए हैं कि मैं ढीठ हूँ लेकिन अब तो पहले पहले, करते हैं। पहले पहले जो था ना लोग मुझे कहते थे कि यार तुम क्यों पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हो ये गंदा काम है ये तो गलत लोगों का काम है तो दिस वेरी फैक्ट हैज़ डिस्ट्रॉयड अस अप टिल नाउ कि हमने पॉलिटिक्स जो हमारी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है मेरा ख्याल सांस लेने के अलावा एवरीथिंग दैट वी डू इज़ गवर्न्ड बाय पॉलिटिक्स हमारे ऊपर रूलर्स कौन है वो पॉलिटिक्स डिसाइड करती है उस शोबे को हमने एडमिट कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया कि तो गंदे लोगों का काम है तो फिर यही हो रहा ना पाकिस्तान के साथ जो दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक द फिल्म इंडस्ट्री कि जब लाहौर के अनपढ़ जो गुज्जर और मैं मतलब ऑफेंड किसी को नहीं करना चाहता कोई गुज्जर भी हो तो अच्छे लोग हैं बट आई मीन इट एज़ अ स्टीरियोटिपिकल जो वे होता है उस सेइंग जब अनपढ़ लोग कर रहे थे फिल्में बना रहे थे तो आप वैशी हसीना और गुज्जर द खड़ाक फिल्में देखते थे लेकिन वही काम जब पढ़े लिखे अच्छे लोगों ने करना शुरू किया सो एज अ रिजल्ट यू हैव अ फ्लरिशिंग गुड फिल्म इंडस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेम गोज फॉर पॉलिटिक्स अगर हम पॉलिटिक्स को छोड़ देंगे जाहिलों के लिए फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए गवारों के लिए करप्ट लोगों के लिए हम उसको छोड़ देंगे कि यार ये तो उनका काम है देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू चेंज और हम हर चीज जब चार पांच लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं तो हम क्या कहते हैं यार नहीं नहीं पॉलिटिक्स पे बात ना करो यार बिल्कुल और रिलीजन पे बात नहीं करो और रिलीजन पे बात ना ये दोनों चीजें हमारे लिए इतनी फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है एंड येट वी चूज नॉट टू टॉक अबाउट दैम वी
forbid people to talk about it in our gatherings. Yes, of course. So these two things, people often ask me कि मैं क्या election लडूंगा? भाई मैं election नहीं लडूंगा. जरूरी नहीं है कि आपने election ही लड़ना हो तो आप political हो. Agree. Politics क्या है कि सही को और गलत को गलत को. And think a step beyond yourself. So that's what I do. I'm not a career politician. In fact, career politics has led to the downfall of our politics. Because जब आप career politics कर रहे होते हैं तो फिर आप सही और गलत नहीं सोचते. बिल्कुल. आप ये सोचते हैं कि क्या चीज़ मेरे करियर को आगे लेके जाएगी, कि मैं इलेक्शन कैसे लड़ूंगा, फिर मैं MNA से वजीर कैसे बनूंगा, फिर मैं वजीर से आगे टॉप पे और कैसे जाऊंगा. ग्रीडीनेस आ जाती है आपके अंदर. ग्रीडीनेस आ जाती है एंड योर डिसीजंस आर गवर्नड बाय योर प्रोग्रेस ऑफ द करियर ऑफ पॉलिटिक्स दैट यू हैव. सो नो, आई एम नॉट अ करियर पॉलिटिशियन. आई एम वेरी पॉलिटिकल बिकॉज आई केयर अबाउट माई कंट्री. आप चैरिटी करते हैं, मैं हमेशा हर जगह ये बात कहता हूँ कि मैं अब्दुल स्तारीदी साहब के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ जब उनके आखिरी अयाम थे, तो उसके अंदर ही ऑलवेज यूज टू हैव दिस रिग्रेट कि मैं सारी ज़िंदगी गुरबत और जुल्म ख़त्म नहीं कर सका. और उनको भी ये बात पता थी कि चैरिटी से, सिर्फ चैरिटी से आप ये काम ख़त्म नहीं कर सकते. सो जो असूलन सियासत है वो चैरिटी का ही एक अल्टीमेट वर्जन. हमने अनफॉर्चुनेटली अपने सियासी रोल मॉडल्स बना लिए हैं कि जो सियासत क्या होती है, जरदारी, सियासत क्या होती है, अल्ताफ हुसैन, मैकावली की जो सियासत है. हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गए. वो भी तो सियासत की. बिल्कुल. मदीना की रियासत क्या थी? बिल्कुल. सियासत थी. बिल्कुल. तो वो सियासत हम क्यों भूल गए कि लोगों की फलाह के लिए बात करना, अच्छे को अच्छा कहना, गलत को गलत कहना. तो वो मैं करता हूँ. मैं इस मामले में तो इतना पैशनेट हूँ कि इवन इफ इट रिजल्ट्स इन मी सैक्रिफाइसिंग माई एक्टिंग करियर, आई डू दैट बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड येट वी चूज टू स्टे अवे फ्रॉम इट. तो मेरी रिक्वेस्ट है जो यहाँ के पाकिस्तानीज हैं या जो हमारे अपने मुल्क के पाकिस्तानीज हैं, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानीज हैं, कि खुदा का वास्ते आप सियासत से दूर क्यों हैं? किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर लें. मैं इमरान खान को करता हूँ. मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ इमरान खान को करें, आप किसी भी पार्टी को कर लें, लेकिन एट लीस्ट हैव अ पोलिटिकल से. एट लीस्ट गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, टॉक अबाउट इट. हमारी तो पढ़ी लिखी जो अपर क्लास जनरेशन है, उनको तो सदर पाकिस्तान का नाम नहीं पता. बिल्कुल सही कहा. तो फिर हाउ डू एक्सपेक्ट थिंग्स टू चेंज? दैट इज माई क्वेश्चन. थर में 500 बच्चा मरता है हर साल. आप उनको पानी देते हैं, आप उनकी चैरिटी करते हैं, इमदाद करते हैं, लेकिन इससे उनकी हालत नहीं बदलेगी. नहीं बदलेगी. उनकी हालत बदलेगी जो पॉलिटिकल मशीनरी वहाँ पे हस्पताल बनाएगी, वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम देगी, उनकी लाइफ्स बेटर करेगी, स्कूल बनाएगी. सो चैरिटी से टेम्प्रेरी आप रिलीफ दे सकते हैं, आप मसला हल नहीं कर सकते. मसला हल पॉलिटिक्स से ही होगा. सो गेट आउट ऑफ दीज नोशंस कि यू नो लेट्स नॉट बी पॉलिटिकल, लेट्स बिकम पाकिस्तानी फर्स्ट. यू हैव टू बी पॉलिटिकल. तो यही मैं चीज़ समझाता हूँ और ये चीज़ मैं प्रमोट करता हूँ कि खुदा का वास्ता है सियासत को इन इन सबसे जो बदतरीन मखलूक है उसके लिए ना छोड़ दें. आप खुद इन्वॉल्व हों, इलेक्शन ना लड़ें, बट एट लीस्ट बी पोलिटिकली एक्टिव. एक सवाल आया है मेरे पास, यूथ पूछना चाहते हैं कि आप US से कोई मोटिवेशनल स्पीकर का भी प्रोग्राम करेंगे, कल को आपका फ्यूचर में US से चैरिटी इवेंट्स में तो आप आ रहे हैं, USA में आप फ्यूचर के लिए पाकिस्तानियों के लिए कुछ काम कर रहे हैं आगे? देखिए, मेरा जो लोग कहते हैं कि मेरा माइंडसेट क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा इधर भी हूँ, थोड़ा सा उधर भी हूँ. देखिए, मेरा माइंडसेट एक है, वो ये है कि आई एम इन अ डेट ऑफ माई कंट्री. आई विल वट एवर आई विल डू, द अंडरलाइन बॉटम लाइन ऑफ दैट विल बी कि मैं अपने मुल्क के लिए क्या कर रहा हूँ. उसके लिए चाहे आर्ट हो, चाहे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट हो, कि मैं अपने मुल्क के लोगों के लिए क्या सोच रहा हूँ, अपने अलावा क्या सोच रहा हूँ, तो उसके अंदर अगर ये भी आता है कहीं पर तो आई वुड लव टू डू इट. एज लॉन्ग एज वट आई एम डूइंग इज गिविंग समथिंग टू माई कंट्री एंड द पीपल ऑफ माई कंट्री, आई वुड लव टू डू इट. आखिरी सवाल वुमेन की तरफ से आया है. ये सवाल मेरा बनता नहीं है, ये आपका पर्सनल है. शादी कब कर रहे हैं आप? शादी जी जब लड़कियां जाना चाहती हैं. अच्छा, लड़कियां जाना चाहती हैं. देखें, शादी तो जब होनी होती है वो अल्लाह की मर्जी होती है. तो आप सब लोग दुआ करें. हमजा ने कह दिया कि शादी जब होनी होगी तो अल्लाह की मर्जी है. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू अहमद राणा को, एयर शो को और नेक्स्ट टीवी को टाइम देने के लिए. हमारी दुआ है कि आप ऐसे ही काम करते रहें और पाकिस्तानी पेट्रिक जो हैं आपकी तरह और भी हो, और मैं चाहूँगा कि मेरा बेटा भी कल को हमजा अब्बासी बने. थैंक यू.
तो नाजरीन ये देख रहे थे आप सुपरस्टार हमजा अली अब्बासी, बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, सिंपल बात करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के लिए और अपने लोगों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अब कौम के हाथ में कि आप लोग भी क्या वो चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। आप लोग प्लीज़ जाएँ, पॉलिटिक्स में जाएँ, रिलीजन पर बात करें, ये सब सब सबकी ज़िम्मेदारी है, ये इनकी अकेले की है, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। तो जैसे कि आप देखते हैं मैं डिफरेंट सेलिब्रिटीज़, डिफरेंट आइडियाज़ को लेकर आता हूँ, प्लीज़ ई मेल मुझे करें, फेसबुक मैसेज करें, मुझे बताएँ कि मैं और किस तरह के प्रोग्राम लेके आऊँ, किस तरह इम्प्रूवमेंट करूं। तो अहमद राना को इजाज़त दीजिए, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।